तो ये एंटीजन है। अच्छा अजय तो एंटीजन है, अभी तक तो एंटीजन सब सोनी। आपके परिवार में कितने लोग खत्म हो गए और आपके घर कैसे चल पा रहे थे? मेरे परिवार में तीन लोग थे, तीनों लोगों की डेथ हो गई है और हम लोगों की सरकार से निवेदन है कि सरकार मेरी मदद करे, मेरे घर पर कोई सहायता के लिए रहा नहीं है। आपके परिवार में तीन ही लोग? जी, छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई बड़ा सदस्य नहीं है। घर में कितने बच्चे हैं? पांच बच्चे हैं, दो भाइयों के पांच बच्चे हैं। वो भी एक बार कौन कौन खत्म हुआ था? मेरे पति, मेरे जेठ और ससुर, तीनों लोग खत्म हो गए कोरोना काल में। जी, कितने दिन काल तक? 20 दिन में तीनों लोग चले गए। 20 दिन पापा ने 20 दिन नहीं नहीं कौन सा गांव आपका? हां, पटना था। हां, क्या हुआ था, कैसे आपके पति और बेटे? पति का भी फाक नहीं बैठते, फाक नहीं बैठते और खांसी में फाक नहीं बैठते, गलत छाते हैं आप तो खत्म हुई है। ऑक्सीजन मिली नहीं? ऑक्सीजन मिली ना, 20 दिन में खत्म हुई है। कितने लोग खत्म हुए आपके परिवार में? तीन लोग, बेटा, लड़का, बेटे और पति। परिवार में कितने लोग थे आप? तीन लोग। तीन लोग खत्म हुई है। आपका जो है पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, यही ना जो कमाने वाले तो पढ़ाई लिखाई कहीं से रहे, सहायता करा सरकार की तरफ से? कोई आया कोई ना कोई तो कोई नहीं आया, अभी कोई राहत नहीं मिली। कोरोना काल में यानी माता पिता कुल बच्चों को खत्म हो गए, घर के जिले में कितने की संख्या है? जनपद फरुखाबाद में 46 बच्चे ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनके अभिभावकों की मृत्यु हो चुकी थी। हमने उनका सर्वे करा लिया है और उनकी ऑनलाइन फीडिंग भी कर दी है। अभी उन 46 बच्चों का SIR तैयार किया जा रहा है, जैसे SIR तैयार हो जाएगा उसको भी हम फीड कर देंगे और जैसा निर्देश होगा शासन का उसी के अनुसार उनको हम लाभान्वित कराएंगे। फिलहाल अभी कोई मदद नहीं की जा रही है? अभी तुरंत तो हमारे पास सब कोई निर्देश नहीं मदद करने का, जो भी निर्देश आएगा करेंगे। फिलहाल अभी मैं SIR तैयार करा रहा हूँ, फीडिंग करा रहा हूँ।